इंडिया के रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट यानी यूपीआई को आज 30 से भी ज्यादा देश एक्सेप्ट करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, यूएई, वियतनाम, कंबोडिया और भूटान ऑलरेडी यूपीआई को अडॉप्ट कर चुके हैं और फ्रांस पहला वेस्टर्न नेशन बने जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। अब फ्रांस के यूपीआई को अडॉप्ट करने के बाद यूरोपियन यूनियन में यूपीआई की एंट्री करवाना इंडिया के लिए और भी इजी हो गया है। आज यूपीआई से हर सेकंड 10,000 से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2030 से काफी पहले ही इंडिया 1 ट्रिलियन की इंटरनेट इकोनॉमी का टारगेट भी अचीव कर लेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि यूएसए को इंडिया के यूपीआई से इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। यूपीआई को वर्ल्ड वाइड स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का एक अल्टरनेट देखा जाने लगा है। अब क्योंकि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की सारी ट्रांजेक्शन यूएसए के सेंट्रल बैंक के थ्रू होके जाती है तो ऐसे में यूएसए को किसी भी कंट्री पर स्विफ्ट सेंक्शन लगाकर डोमिनेट करने का एक्सेस मिल जाता है जो यूएसए कभी लूज नहीं करना चाहता।